नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया और आप देख रहे हैं नया भारत दर्पण समाचार। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड मंडलीय ग्रामोद्योग प्रशिक्षण केंद्र द्वारा संचालित 15 दिवसीय कौशल सुधार प्रशिक्षण का कार्यक्रम हुआ सम्पन्न। हम आपको बताते चले कि स्वयं सहायता समूह की तेज तर्रार व शिक्षित महिला अध्यक्ष सबीना बानो के नेतृत्व में चल रहे स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने अगरबत्ती बनाने का लिया प्रशिक्षण, साथ में सिलाई का भी प्रशिक्षण चला। ग्राम उद्योग बोर्ड अधिकारियों द्वारा प्रशिक्षण पर भाग लिए महिलाओं को सम्मान देकर सम्मानित भी किया गया। यह प्रशिक्षण 15 दिन से चल रहा था, जिसका समापन आज दुल्लापुर पंचायत भवन मवई चौराहा पर खादी ग्राम उद्योग बोर्ड से आए हुए अधिकारियों द्वारा सम्मान पत्र देकर सभी महिलाओं को सम्मानित किया। उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को 16 अगस्त 2022 से 31 अगस्त 2022 तक अगरबत्ती बनाने का प्रशिक्षण चलाया गया। इस अवसर पर स्वयं सहायता समूह के अध्यक्ष सबीना बानो, बीसी सखी अर्चना साहू, आयोजक प्राचार्य छत्रपाल सिंह, बीडीओ रसिश कुमार, खादी ग्रामोद्योग अयोध्या मंडल प्रभारी अशोक कुमार, आईडीओ आईएसडी बीएमएम आशुतोष मिश्रा, अमित फूलचंद, संजय सिकेत्री लाल जी, ग्राम प्रधान दुल्लापुर सेठों की तादाद स्वयं सहायता समूह की महिलाएं तथा दीदी सखी मौजूद है। सर, सभी मैम से मेरा नमस्ते। मेरा नाम नीलम जायसवाल है। सभी महिलाओं को बहराइच के सर द्वारा सिलाई सीखने का अवसर मिला है एंड सब लोगों को दीदी स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा 15 दिवसीय प्रशिक्षण खादी ग्राम उद्योग आयोग द्वारा दिया गया था। इस विषय पर प्रशिक्षण देने के बाद सर्टिफिकेट का वितरण किया गया अधिकारियों द्वारा, तो इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे? इस विषय पर मैं सबसे पहले तो खादी ग्राम उद्योग बोर्ड को धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने हमारे समूह से जुड़ी हुई महिलाओं को 15 दिवसीय प्रशिक्षण देने का निश्चय किया और उनको ये योजना ला करके दी और हमको भी इनको कुछ सिखाने का मौका मिला। इसलिए मैं उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और सभी महिलाओं से ये कामना करती हूँ कि इन्होंने जो भी हुनर सीखा है उसको आत्मसात करें और जीवन में आगे बढ़ें, अपने उज्ज्वल भविष्य को चमकाएँ। धन्यवाद। जी मैम, आज यहाँ पर कौन कौन अधिकारी मौजूद थे आपने मवई क्षेत्र से? जी, हमारे मवई क्षेत्र से विकास खंड अधिकारी रशेश कुमार जी थे और एडीओ आईएसबी थे और सचिव जी थे, हमारे बीएमएम थे जो एनआरएलएम को देखते हैं, संचालित करते हैं विकास खंड की ओर से, और भी भाजपा मंडल महामंत्री थे और ग्राम प्रधान थे। इस तरह से कई लोग संभ्रांत लोग थे जिनके सामने प्रशस्ति पत्र वितरित किया गया। जी मैम, और अन्य महिलाओं को क्या संदेश देना चाहती हूँ? मैं अदर महिलाओं को ये संदेश देना चाहती हूँ कि वो भी इन दीदियों से सीखें और आगे बढ़ने का प्रयास करें और अपना विकास करें, आत्मनिर्भर। मैं अशोक कुमार शर्मा, जिला ग्राम उद्योग अधिकारी अयोध्या। आज मवई विकास खंड में जो है अगरबत्ती और सिलाई की दो अलग अलग ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है चल रहा था, जिसका आज समापन हुआ है। ट्रेनिंग से देखने से पता चलता है कि महिलाओं ने काफ़ी अच्छा मेहनत किया है सीखने के लिए और 15 दिन चूँकि काफ़ी कम होते हैं, लेकिन विभाग का ये उद्देश्य है कि कम से कम जो सरकार की मंशा के अनुरूप 15 दिन में हम उन महिलाओं को वो सारी चीज़ें सिखा दें जो आगे इनके प्रैक्टिस में काम आएंगी, और ये प्रैक्टिस करते करते धीरे धीरे ये 2-4 महीने में पूर्णतया जो है ये एक कुशल कारीगर हो जाएंगे। हमारी शुभकामनाएं हैं इनके साथ, ये अब इसको कड़ी मेहनत से इसको जो है ब्रेक ना करते हुए आगे भी इस प्रशिक्षण को मानते हुए कि हम और प्रशिक्षण ले रहे हैं, करते हुए ये अगले 6 महीने तक काम करेंगे, उसके बाद ये स्वतः ही किसी दूसरे को भी जो है प्रशिक्षण देने के लिए तैयार हो जाएंगे। धन्यवाद। खादी ग्राम उद्योग आयोग द्वारा 15 दिवसीय प्रशिक्षण सहायता समूह की महिलाओं द्वारा दिलाया जा रहा था। दिलाए जाने के बाद भी सर्टिफिकेट का वितरण भी किया गया है आप अधिकारियों द्वारा, तो इस विषय पर सर क्या कहना चाहेंगे आप विस्तार से? उत्तर प्रदेश खादी ग्राम उद्योग बोर्ड द्वारा मंडलीय ग्रामोद्योग प्रशिक्षण के बहराइच के माध्यम से यहाँ की महिलाओं को 15 दिन का प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें मोमबत्ती के साथ अगरबत्ती है,
और आपका रेडीमेड गारमेंट सिलाई का भी ट्रेनिंग दिया गया है, और इन्होंने यहाँ की महिलाओं ने कुछ अच्छी अगरबत्ती बनाई है, बहुत खुशबू आ रही है इनमें, बहुत अच्छा इन्होंने काम किया है, और हम चाहेंगे कि ये अपना रोज़गार भी लगाएं। हमारे जिला ग्राम अधिकारी महोदय बैठे हुए हैं, ये इनकी पूरा सहयोग करेंगे, और इनका लोन होगा उसमें 35% छूट मिलेगी, जिसमें 3 साल तक ब्याज भी इनको नहीं देना होगा। तो ये अच्छी स्कीम है। इसी तरह से इनका टेलरिंग वाला है, गारमेंट वाला, इसमें भी अपना इस उद्योग धंधा स्टार्ट कर सकते हैं, उसके लिए भी छूट है इनके लिए, 1 लाख से लेकर 25 लाख तक, 50 लाख जितना लेना चाहे, हर आदमी के लिए उसमें व्यवस्था की गई है गवर्नमेंट की तरफ से। और ये हमारे मुख्यमंत्री जी की बहुत अच्छी स्कीम है जो ये लागू की गई है। धन्यवाद। सभी दर्शकों को नमस्कार, मैं अमित कुमार, ब्लॉक मिशन प्रबंधक, विकासखंड मवई, डिस्ट्रिक्ट अयोध्या से। यहाँ जो भी आज इस कार्यक्रम में दीदी आई हैं, सबका मैं स्वागत करता हूँ। और आज सबसे ज़्यादा तो मैं अपने उत्तर प्रदेश खादी ग्राम उद्योग संस्थान के बहराइच के प्रिंसिपल सर और जिला खादी ग्रामोद्योग अधिकारी जी का बहुत बहुत आभारी हूँ कि इन्होंने इस प्रशिक्षण के लिए हमारे विकास खंड का चयन किया और हमारे NRLM की दीदियों को ये मौका दिया कि वो अपना हुनर जो है दिखा सकें और इनका स्किल डेवलपमेंट करके इन्हें रोज़गार से जोड़ा जा सके। जैसा कि ये NRLM हमारा है, इसका मूल उद्देश्य यही है कि जो गांव की दीदियां हैं इनको रोज़गार से जोड़ा जा सके, और जो जिससे ये आत्मनिर्भर हों और अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार सकें। और आज इन्होंने यहाँ पर अगरबत्ती का प्रशिक्षण लिया है, और जिसमें लगभग हमारे यहाँ 5-6 समूह की दीदियाँ हैं, और सभी और आगे हम लोग कोशिश करेंगे कि ये निरंतर अगरबत्ती का निर्माण करें और हम लोग इसको ऊपर के मंच पे ले जाके मतलब इनका बिकवा सकें, जैसा भी हम लोग सहयोग हो सकेगा। नमस्ते। ग्राम पंचायत दुल्लापुर में खादी ग्राम उद्योग के तहत सभी महिलाओं को 15 दिवसीय अगरबत्ती का और सिलाई का प्रशिक्षण दिया गया, और हमारी सभी दीदियों ने काफ़ी अच्छे से, काफ़ी मेहनत और लगन से इस काम को किया है, प्रशिक्षण को प्राप्त किया है, और वो अब इतनी आत्मनिर्भर हो गई हैं कि वो आगे किसी के सहारे के बिना वो अपना जीवन यापन कर सकती हैं। उन्होंने 15 दिवसीय यानी 15 दिन का टाइम बहुत कम होता है, लेकिन उन्होंने फिर भी बहुत अच्छे से किया और बहुत अच्छे से सीखा, जो कि आपको पीछे दिखाया भी गया है कि हमारी दीदियों ने सिलाई सीखी, अगरबत्ती सीखा, और इसके माध्यम से वो अपने पैरों पर खड़ी हो गई हैं। अब उन्हें किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो सिलाई करके, हर दीदी हमारी सिलाई करके अगरबत्ती बना के वो अपने परिवार का, अपने बच्चों का भरण पोषण कर सकती है। क्योंकि आज के ज़माने में अगर देखा जाए तो घर में अगर खाने वाले 10 हैं तो कमाने वाले भी होने चाहिए, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा है। तो ये हमारा सौभाग्य है कि आए हुए अतिथि सर जी द्वारा, शबीना दीदी द्वारा, हम दीदियों को, हमारी सभी बहनों को ये अवसर मिलते हैं और हम सब आगे बढ़ रहे हैं। तो हम सबसे उम्मीद करते हैं कि आप बैठिएगा मत, आगे सिलाई करिए, अगरबत्ती करिए, बनाइए और उसको मार्केट में बेचिए और अपने पैरों पे खड़े होइए। जैसा कि हमारे साथी BMM अमित जी ने बताया कि हमारी दीदियाँ प्रशिक्षण लेकर के आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रही हैं। बस हम ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि हमारे भाई ने बता दिया। हम इतना कहेंगे कि हमारी दीदियाँ जब आत्मनिर्भर होकर बढ़ेंगी और जब 10-20 रुपए अपने हाथ से कमाएंगी, तब उनको एक अजीब सी उत्सुकता वो महसूस होगी कि आज हम कुछ करने को सीखे हैं। और हम अपनी दीदियों को इतनी शुभकामना देना चाहेंगे कि आज वो स्किल डेवलपमेंट किए हैं, इसके साथ वो आगे बढ़ती रहे। इसी के साथ इस खबर में बस इतना ही। बने रहे नया भारत दर्पण समाचार के साथ।